रायपुर में दीपावली के दूसरे दिन शुक्रवार रात को शहर के तीन अलग अलग इलाकों में आग लग गई। एक घटना गोकुल नगर में हुई तो दूसरी सप्रे स्कूल के पास एक घर पर लगी थी। इसके अलावा पंडरी इलाके में एक ज्वेलरी शॉप भी आग की चपेट में आ गई। इन तीनों घटनाओं में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। ज्वेलरी दुकान में भड़की आग ने बगल में एक फर्नीचर दुकान के अलावा चार दुकानों को भी चपेट में ले लिया। दुकान में लकड़ी के सामानों के अलावा गद्दे रखे हुए थे जिससे आग तेजी से फैल गई। पुलिस दुकान के मालिकों से पूछताछ कर नुकसान का आकलन कर रही है।